अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल शिफा यूनानी दवाखाना, और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम कारी तनवीर अहमद मियानवी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल शिफा यूनानी दवाखाना महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और ख़िदमत खल्क के जज्बा के तहत रोज़ाना आपकी खिदमत के अंदर अपने मुजर्रब कीमती नुस्खा जात पेश करता है, ताकि इन मुजर्रब कीमती नुस्खा जात को बनाकर आप अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बना सकें। ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और ख़िदमत खल्क के जज्बा के तहत किया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज भी आपकी खिदमत के अंदर हम एक नुस्खा लेके पेश खिदमत हुए हैं। आज का हमारा नुस्खा ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी जहरीला जानवर काट ले, या मसलन शहद की मक्खी काट लेती है, या कोई भी जहरीला जानवर काट लेता है, तो उस वक़्त बंदे को क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा। तो इंशाल्लाह किसी भी जहरीले जानवर के काटने का असर फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खा को पेश करने से पहले मेरी आप हज़रात से ये दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल अलशिफा यूनानी दवाखाना को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का हमारा नुस्खा ये इस बारे में है कि अगर आपको शहद की मक्खी काट लेती है तो फिर आप क्या करेंगे, या इसी तरीके से भेड़ है वो आपको काट लेती है, या कोई भी जहरीला कोई कीड़ा आपको काट लेता है, तो फिर आपको क्या तदबीर करनी है कि आपका दर्द भी ख़त्म हो जाए और जहर भी ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहली बात कि आप अगर शहद की मक्खी ने आपको काटा है, तो आप ऐसे करें, अगर आपके पास शहद मौजूद है तो उस जगह पर शहद लगा दें, और साथ अगर आप शहद पी लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपका दर्द भी ख़त्म होगा और उसके काटने की वजह से जो आपके अंदर जहर है वो भी ख़त्म होगा। इसी तरह अगर आपको शहद की मक्खी ने काटा है, तो आप फौरी नमक जो है वो ले के जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे रख के आप ऐसे ऐसे उसको वहाँ पे मलें, तो इससे आपकी तकलीफ़ भी ख़त्म होगी और जहर भी ख़त्म हो जाएगा। इससे बेहतर और अच्छा नुस्खा जिसका आपको फौरी रिज़ल्ट मिलेगा वो ये है कि अगर आपको दुनिया जहान का कोई भी कीड़ा काट लेता है, तो आप फौरी तौर पर तुलसी के पत्ते, वो अगर पीसे हुए आपके पास मौजूद हैं तो तुलसी के पत्ते पीस कर आप उस जगह पर जहाँ पे आपको किसी जहरीले कीड़े ने काटा है वहाँ पे आप लगाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे कि जहर का असर फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है और है भी बिल्कुल आसान, एक ही जुज़ के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो ये नुस्खा आप बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं, मेरे लिए भी आप दुआएं निकालें। हमारी इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के अंदर जाके अपनी राय दीजिए। हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।